ठीक है। देखिए इनका थोड़ा सा भी सिक्स चैप्टर में कुछ चीज़ें बाकी हैं, तो वहीं से स्टार्ट कर लेते हैं। ठीक है, स्पेशल परमिशन से मास्क हो गया था, कॉन्फ़िगरेशन फाइल हो गई थी मास्क फाइल, खाली पाथ बताया था आपको। देखो जी, परमिशन जब हम असाइन करते हैं तो कोई पर्टिकुलर फाइल या फोल्डर पर हम क्या दे सकते हैं, परमिशन दे सकते हैं, या तो न्यूमेरिकल के थ्रू या फिर दूसरा क्या होता है सिम्बॉलिक मोड के थ्रू, इतना आपको पता है पहले से। ठीक है, तो एक सिंपल थोड़ा सा कंसेप्ट दो मिनट में मैं रिकॉल करता हूँ सारा। ठीक है, आपने एम के डी आर किया, एक फोल्डर बनाया किसी भी नाम से, मैंने एक शेयर्ड के नाम से फोल्डर बना दिया। इसको हम क्या करना चाहते हैं, कोई परमिशन असाइन करना चाहते हैं। तो अगर सी एच मोड आप करते हो, यहाँ पर आपने कहा 775, ये परमिशन होगी, मैंने कहा 777, तो ये फुल कंट्रोल हो गया आपका स्लैश शेयर्ड। ठीक है, तो किसी भी पर्टिकुलर फाइल पर या फोल्डर पे आपने फुल कंट्रोल दे दिया, तो कोई भी पर्टिकुलर यूज़र जो आप इसमें बनाओगे वो क्या कर सकता है, इसको यूज़ कर सकता है। तो मैं अभी आपके सामने एक यूज़र बनाता हूँ, यूज़र है यूज़र 01, बन गया। इस पर आपने कोई भी पासवर्ड दिया, ठीक है, आप इस पर पासवर्ड असाइन कर सकते हो। देन कंट्रोल शिफ्ट टी करके एक नया टैब ओपन किया और एस यू करके हाइपन करके यूज़र 01 में आप आ गए। ठीक है, सी डी स्लैश शेयर्ड, शेयर्ड के अंदर आप आ गए, आप इस पर काम कर पा रहे हो, टी ओ यू सी एच करके जेट 123 आप इसमें बना पा रहे हो, एल एल के आपने यहाँ पर परमिशन है। तो अभी यूज़र 01 को फुल कंट्रोल है। ठीक है, इतना क्लियर हो गया आपका। अगर कुछ ऐसी कंडीशन भी हो सकती है कि मैं चाहता हूँ कि अदर यूज़र को कोई कंट्रोल ना हो, तो मैं चाहता हूँ कि कुछ यूज़र को कंट्रोल हो, तो आप उसके लिए क्या कर सकते हो, फुल बना सकते हो, क्योंकि मैं आपको स्पेशल परमिशन जो बताऊँगा आपको इसी के ऊपर बेस्ड है आपका। तो मैंने एक ग्रुप बनाया जी आर ओ यू पी ग्रुप एड, सेल्स के नाम से ग्रुप बना दिया। अब इस सेल्स के अंदर मुझे यूज़र ऐड करना है, आप कमांड बताओ, आपको पहले कमांड बता चुका हूँ मैं, यूजर इस सेल्स के अंदर मुझे कौन सा यूज़र ऐड करना है, एक यूज़र ऐड करना है, अभी आपके सामने बनाया था यूज़र 01, उसी को ऐड करना चाहते हैं। कमांड बताइए, यूज़र मोड, यूज़र मोड आगे स्पेस माइनस यू, हाँ माइनस यू, हाँ जी आगे बोलो, यूज़र नेम, यूज़र नेम उसके बाद स्पेस आइकन जी और फिर स्पेस यूज़र नेम ग्रुप नेम, नहीं अभी गलत है, अब आप बताओ, इसके बाद कितने यूज़र यूज़र नेम आएगा, उसके बाद नहीं, यूज़र नेम अभी नहीं आएगा, यूज़र नेम बाद में आएगा। क्या हाइपन यू सिंटेक्स सही है, पहले तो यू सिंटेक्स ही गलत है, कौन सा सिंटेक्स आएगा, विदाउट सिंटेक्स आ जाएगा। मेरा क्वेश्चन दोबारा से सुनो आप, कि मुझे सेल्स के अंदर यूज़र वन को ऐड करना है, सेल्स नाम का क्या है ग्रुप है, उस ग्रुप के अंदर मुझे इस यूज़र को ऐड करना है, यूज़र 01, यूज़र मोड हाइफन जी, हाँ ग्रुप नेम, हाँ और यूजर सही, अब सही है आपका, हाइफन जी का मतलब ग्रुप, आपको ग्रुप में ऐड करना चाहते हो, तो जो आपका ग्रुप बनाते हैं वो कैसे ग्रुप होते हैं, सेकेंडरी ग्रुप होते हैं आपके, तो सेकेंडरी ग्रुप कौन सा हमारा सेल्स, सेल्स में किस यूज़र को आप रखोगे, यूजर 01, अब सही है आपके। अब आपको चेक करना है कैट स्लैश ETC के अंदर GR OUP ग्रुप ठीक है जी, आपका दिख गया कि सेल्स के अंदर यूजर 01 आपका ऐड है। यूज़र तो पहले से बना, ऊपर जो एंट्री दिखा रहा है वो क्या है, वो भी ग्रुप है, क्योंकि आपका जब पता है कि यूज़र बना दे तो बाई डिफॉल्ट प्राइमरी ग्रुप बन जाता है आपका। ऊपर जो ग्रुप दिखा रहा है यूज़र 01 वो ग्रुप है आपका, वो प्राइमरी ग्रुप है आपका। ये जो आपका सेल्स है इसका आपका सेकेंडरी ग्रुप है आपका, इसे बोलते हैं सप्लीमेंट्री ग्रुप, इसमें आपका ऐड हो गया, एक यूज़र भी ऐड हो गया। अब मैंने क्या कहा,
chmod 770 slash shared, ठीक है। अब shared पर अदर यूजर को क्या कोई कंट्रोल है? नहीं है। तो क्या यूजर 01 इसको यूज कर पाएगा? भी बताओ यूजर 01 अभी इसको यूज कर पाएगा, हाँ या ना? कितना बताइए, नहीं कर पाएगा आपके हिसाब से? अदर नहीं कर पाएगा सर। नहीं, क्यों नहीं कर पाएगा इतना बताइए? अदर को परमिशन नहीं मिली ना। अदर को परमिशन नहीं, तो आपने देखा ls-ld slash shared, क्योंकि अभी हमारा जो कंसेप्ट है, अभी हमारा ग्रुप क्या है? रूट है। रूट है, अगर मैं ग्रुप ओनर चेंज कर दूँ तो कर पाओगे? तो अब मैं इसकी ग्रुप ओनरशिप चेंज कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने ग्रुप को ही तो क्या दिया हुआ, फुल कंट्रोल दिया हुआ है। अगर मैं ग्रुप को इसका ग्रुप ही चेंज कर दूँ, मैं चाहता हूँ कि सेल्स के जो ग्रुप के बंदे हैं वही इसको यूज़ कर पाएँ, तो सेल्स में दो यूज़र हो सकते हैं, तीन यूज़र हो सकते हैं, वो आप उसमें ऐड कर लो उतने। तो क्या कमांड होती है आप बताओ ग्रुप चेंज करने के लिए? ग्रुप से ओनरशिप, हाँ ग्रुप ओनरशिप चेंज करने के लिए आप बताइए। CHON, हाँ बिल्कुल CH तक सही है आपका, आगे बोलो। स्पेस डबल डो, नहीं CH नहीं, आगे बोलो, आगे क्या बोलो आप बताओ। ओनरशिप चेंज कर रहे हैं ना सर? हाँ जी, CHO चेंज GRP, CH ग्रुप चेंज करना है आपको, ओनरशिप चेंज करनी है ग्रुप ओनरशिप, तो CHGRP कमांड होती है। या दूसरा क्या बताया था, CHON ओनरशिप से भी चेंज कर सकते हैं, बट वो थोड़ा दूसरा कंसेप्ट है, कैसे चेंज करेंगे वो हम बताएंगे अभी। GRP अब क्या लगोगे उसके बाद बताओ? आईफोन जी सेल्स, ग्रुप ओनर क्या रखना चाहते हैं किसका? अच्छा अभी तो हम यूजर वन से काम कर रहे हैं, तो ये तो नहीं कर पाएगा ना? नहीं। कौन कर पाएगा? CHGRP सेल्स स्लैश शेयर्ड हो गया, ls-ld स्लैश शेयर्ड सेल्स हो गया इसका ग्रुप ओनर, ठीक है। अब क्या मैं इस पे काम कर पाऊंगा? बिल्कुल कर पाऊंगा। अभी तक क्या है आपका, इसके अंदर अभी आपको काम करने की परमिशन नहीं थी। अब मैं CD करके कंट्रोल D करके पहले बाहर आता हूँ, दोबारा से इस यूज़र के अंदर जाता हूँ, CD करिए स्लैश शेयर्ड में चलिए, आ रहे हो आप इसमें? और आपने TOUCH करके 1 2 3 करके एक पर्टिकुलर फाइल बना दी, बन गई फाइल आपकी जी। कितना क्लियर हो गया आपका, यहाँ तो कोई डाउट नहीं? ठीक है जी। अब दूसरा कंसेप्ट, मुझे क्या करना है कि मैं चाहता हूँ कि इस फोल्डर के अंदर जो भी मैं फाइल्स बना रहा हूँ, डायरेक्टरी बना रहा हूँ, उनकी ओनरशिप भी सेम रहनी चाहिए आपके सेल्स। यूज़र वन की जगह यहाँ क्या आना चाहिए आपका? सेल्स आना चाहिए। तो कैसे करोगे? अगर सपोज मैं एक डायरेक्टरी बना देता हूँ, डायरेक्टरी वन, उसका भी ओनर कौन है अभी आपका? यूजर वन ओनरशिप, इसकी ग्रुप ओनरशिप चेंज करने वाला हूँ। हाँ जी, अभी जैसे कि यूज़र, जब कोई भी जब यूज़र कोई फाइल बनाता है, फोल्डर बनाता है, तो बाई डिफॉल्ट उसका ओनर और उसका ग्रुप ओनर कौन रहता है आपका? वही यूज़र रहता है। तो अभी ये यूज़र क्या कर पा रहा है इसमें एग्जैक्टली? इस शेयर्ड नाम की डायरेक्टरी के अंदर PWD कर रहा हूँ। अभी मैं किस पर काम कर रहा हूँ? शेयर्ड शेयर्ड डायरेक्टरी। तो यहाँ पर मुझे क्या फुल कंट्रोल है? तो जब यहाँ पर मुझे फुल कंट्रोल है, तो मैं जब कोई काम करूँगा तो जो काम हो रहा है वो मेरे नाम से हो रहा है ना, तो इसका यूज़र ओनर और ग्रुप ओनर कौन है? यूज़र 0 बने अभी। तो अभी मैं चाहता हूँ कि ओनर तो जो बनाए वही रहे, पर उसका ग्रुप ओनर मैं चेंज करना चाह रहा हूँ। अभी तक मैंने बस एक ही पर्टिकुलर डायरेक्टरी का चेंज किया था, इसके अंदर तो चेंज नहीं हुआ। एक का चेंज करने के लिए क्या होता है, कमांड ये चलती है आपकी। अगर मुझे उसके अंदर भी चेंज करना है तो क्या करोगे? थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा आपको यहाँ पर। मैं बस इतना चाहता हूँ कि शेयर्ड के अंदर कोई फाइल बनाओ या फोल्डर बनाओ, उसका ग्रुप ओनर हमेशा क्या रहना चाहिए? सेल होना चाहिए। क्या रहना चाहिए आपका ग्रुप ओनर? सेल्स। बट यहाँ पे अभी है क्या? अभी मैं कहाँ पे काम कर रहा हूँ? शेयर्ड का ओनर तो अभी 01 है, यूजर 01 है, लेकिन अंदर जो फाइल बनेंगे आप उसका ओनर हमेशा यूजर वन। एक बार दोबारा सुनिए आप इसका, अभी इसका ओनर कौन है शेयर्ड का? ओनर कौन है इसका? रूट। ग्रुप ओनर कौन है इसका? सेल्स। मैं ये नहीं चाहता हूँ कि ओनर चेंज नहीं करना चाहता, ग्रुप ओनर चेंज करना चाहता हूँ। तो देखिए यहाँ पे तो चेंज हो गया आपका, बट मैं जब इसके अंदर काम करूँ तो यहाँ पे तो वही आ रहा है आपका ग्रुप ओनर।
कि मैं चाहता हूँ कि जो यूजर काम करे उसका ओनर से तो मुझे पता चलेगा ना किसने बनाया इसको, अपडेट क्या है सर, बट मैं ग्रुप ओनर से चाहता हूँ कि उसकी ग्रुप ओनर से हमेशा तेरा ही है ना, ठीक है तेरा ग्रुप ओनर। अभी इसका क्या है, यूजर 01, इसको मैं सेल्स करना चाहता हूँ, तो अगर मैं इस कमांड के आगे क्या लगा देता हूं मैं हाइपन कैप्स में आर, ये पता है ऑप्शन आपको CAGRP-R रिकर्सिवली, इस शेयर्ड फोल्डर के अंदर जो कुछ भी होगा उसका ग्रुप ओनर ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। ऊपर वाली कमांड से क्या होता है, सिंगल फोल्डर का चेंज होता है, हाइपन आर लगा दोगे तो उसके अंदर जो कुछ भी होगा सबका चेंज हो जाएगा। इतना क्लियर हो गया आपका? इसी के बेस पे अब हम जो स्टार्ट करने वाले हैं, स्पेशल परमिशन आएगी आपका, क्योंकि ये चीज़ आपका पहले वाला डेटाबेस क्लियर होना चाहिए आपका, ये चीज़ क्लियर नहीं होगी जब तक आपको आगे क्लियर नहीं होगा। हाँ जी लिख लो बेटा इसको, लिखा हुआ आपका ये नहीं, ये नहीं वाले नहीं। हाँ, टू चेंज ग्रुप ओनरशिप रिकर्सिवली, टू चेंज ग्रुप ओनरशिप रिकर्सिवली, शेयर्ड हमारी डायरेक्टरी है ना सर? हाँ शेयर डायरेक्टरी आपकी, दीवा के पास होगा, उन्होंने फोन लिया अभी नया, उन्होंने लगा रखा, हो गया आपका, एंटर कर दूँ। देखो जी अब अभी आपका इससे पहले मैंने एलएल किया था तो क्या दिखा रहा था आपका, ये सब दिखा रहा था, दोबारा एलएल करो, सब चेंज हो गया ग्रुप ओनर ऑटोमेटिकली। मुझे सबका अलग अलग चेंज नहीं करना पड़ेगा, वरना मुझे क्या करना पड़ता, इंडिविजुअल चेंज करना पड़ता, फाइल का अलग से चेंज करना पड़ता। मेरे पास 50 फाइल है तो मुझे 50 बार कमांड टाइप करनी पड़ती है। रिकर्सिवली में क्या होता है, उसके अंदर आपको रिपीटिबली जब टास्क होते हैं अंदर उसके अंदर की जो पूरी चेंज पूरा रिकर्सिवली चेंज कर देगा जो अगर हम आगे से बढ़ाएंगे। बट इससे एक एडवांटेज, इसका एक डिसएडवांटेज है कि अभी जितना बनाया उतना तो चेंज कर देगा, अब कोई न्यू बनाएगा तो उसको चेंज नहीं करेगा ये। देखो फिर मैंने TOUCH करके एक फाइल वन बना दिया और MKDIR करके डायरेक्टरी टू बनाया, इनका देखो दिन का, तो फिर वही हो गया आपका। तो ये थोड़ी मुझे हर बार चेंज करूँगा, तो मैं इसके लिए एक सॉल्यूशन है मेरे पास, अब बस मैं आपको जो बताने वाला हूँ। अब तो इतना समझ में आ गया आपका, फिर चेंज करोगे, फिर ये कमांड में टाइप करूँगा तो फिर चेंज होगा आपका। तो ये आपको हर बार चेंज करना पड़ेगा आपको, इससे आपका क्या होगा, मैं चाहता हूँ कि जब भी आप इस पर काम करो फोल्डर के अंदर ऑटोमेटिकली ग्रुप ओनर यही होना चाहिए, उसके अंदर कितना भी अंदर जाके बनाओ हमेशा ओनरशिप क्या होनी चाहिए, सेल्स। तो लिखो आगे टू सेट, टू सेट SUID बिट, SUID सुपर यूजर आइडेंटिफिकेशन, SUID बिट मैं सामने लिख देता हूँ, टू सेट SUID बिट। SUID बिट कैसे सेट करते हैं, बिट इसको बोलते हैं ग्रुप ओनर से, सुपर यूजर आइडेंटिफिकेशन, सुपर सॉरी थोड़ा सा गलत हो गया, SGID में बोल रहा था, SUID बताऊंगा अभी आपका, पहले हम GID सीखते हैं, SGID में SGID, क्योंकि ग्रुप के बारे में ना, यूजर का मतलब क्या होता है, यूजर आइडेंटिफिकेशन, और एक और होता है आपका तीसरा कंसेप्ट, ये सुपर ग्रुप होगा, हाँ सुपर ग्रुप आइडेंटिफिकेशन, और तीसरा स्टिकी बिट, STICKY स्टिकी बिट, तीन होते हैं स्पेशल परमिशन। स्पेशल परमिशन में तीन चीज़ें आती हैं, एक होता है SUID बिट, एक होता है हाँ स्टिकी, हाँ वो वाला, वो स्टिकी आएगा आपका, SUID बिट, SGID बिट,
दोनों के लिए एस रहता है आपका, क्या एक्सटेंशन रहता है उसमें एस आता है आपका, उसका जो फ्लैग आता है वो एस करके आता है, उसमें टी आता है वो स्टिकी होता है। तो मैं इसमें पहले क्या स्टार्ट करना चाहता हूँ, एस जी आई डी, क्योंकि अभी हम ग्रुप के बारे में पढ़ रहे थे तो उसी में वो चीज़ कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा आपका। तो कैसे सेट करते हैं एस जी आई डी बिट, तो अब वो हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम कौन सा करने वाले हैं, ये वाला, ठीक है, तो लिख लो उसको सी एच मोड, ग्रुप पे लगाओगे एस कर दोगे स्लैश शेयर सी एच मोड, जी का मतलब ग्रुप, एस का मतलब एस जी आई डी बिट, सेट मतलब पूरा का पूरा सेट एस जी आई डी, पूरा सेट हो जाएगा एस जी आई डी बिट सेट हो जाएगा उसको। ये न्यूमेरिकल के, अभी जो आपका सिंबॉलिक के थ्रू है इसको न्यूमेरिकल भी चेंज करते हैं डायरेक्ट या फोल्डर में, हो गया। हाँ जी, तो देखिए अभी मैं आपको एक बार दोबारा दिखा रहा हूँ कि मैं यहाँ पर कुछ भी काम कर रहा हूँ। एग्जैक्टली मैंने कहा एम के डी आई आर डायरेक्ट्री, मैंने फोर बनाया डॉट डॉट करके फाइव बनाया। तो देखिए एल एल करो, इनका भी ग्रुप ओनर कौन आ रहा है, यूजर वन आ रहा है अभी। जैसे मैं यहाँ पे क्या कर दूँगा, ये कमांड टाइप कर दूँगा, फिर वही आएगा जो हमने सेट किया हुआ है। तो इसमें हमने क्या सेट किया हुआ है, सेल्स हो गया। अब मैं दोबारा से फिर फोल्डर बना रहा हूँ, अभी कुछ नहीं होगा आपका, अभी आप एल एल करोगे तो कुछ नहीं दिखेगा आपको उसमें, ऐसे नहीं कि ये चेंज हो जाएगा, जो पहले वाला चेंज नहीं होता आपका, अब जो काम करोगे आप वो चेंज हो जाएगा परमानेंटली, फिर रिकर्सिवली कर लो, फिर एक बार करते रहो। तो अब आपको क्या करना है, कुछ भी बनाइए आप इसमें। तो देखिए मैं इसमें बना रहा हूँ, यहाँ पर मैं लेता हूँ सिक्स से लेकर के टेन फोल्डर बना रहा हूँ इसमें, बना दिए। तो सिक्स से लेकर के जो टेन बने होंगे उनका बाई डिफॉल्ट ग्रुप ओनर क्या रहा है आपका, इसके अंदर भी आप काम करोगे ना, इसके अंदर भी डी सिक्स के अंदर भी काम करोगे या उसके अंदर भी काम करोगे, उसका हमेशा ग्रुप ओनर अब क्या रहेगा, ये रहेगा। तो एस जी आई डी सेट करने से क्या होता है, ग्रुप आइडेंटिफिकेशन चेंज हो जाता है आपका, उसके अंदर रिकर्सिवली ऑटोमेटिकली चेंज होता रहेगा। अब देखिए मैं आपको एक चीज़ और दिखा रहा हूँ, उसके अंदर जाके डी सिक्स के अंदर आप गए, अब आपने टी ओ यू सी एच करके फाइल वन करके डॉट डॉट करके फाइव लगाया आपने, यहाँ पर एल एल किया यहाँ पे आपने। अच्छा मैंने एक चीज़ थोड़ा सा इसमें रह गया, एल एल करिए आप इसमें, सबका ग्रुप ओनर क्या है सेम ही आपका, कुछ भी आप काम करो उसमें, फोल्डर के अंदर फोल्डर बनाओ, फोल्डर के अंदर फाइल बनाओ, कुछ भी बनाओगे। और ये अगर हमें हटाना हो तो बस वही माइनस कर दो, वहाँ पे जो प्लस है वहाँ पे माइनस कर दोगे आप। तो देखिए माइनस करके आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पे जो प्लस लगाया, प्लस का मतलब क्या होता है ऐड करना, और माइनस का मतलब क्या होता है रिमूव करना, इस तरह से आप इसमें रिकर्सिव अगर हटाना होता है तो वही तो बता रहा हूँ, प्लस आ जाएगा। रिकर्सिव नहीं हटाना मतलब कैसे, क्या चाहते हो आप? अब मैं चाहता हूँ वापस सेल्स जो था ना ग्रुप ओनर, हाँ ठीक है, अब मैं चाहता हूँ यूजर जीरो वन आ जाए। हाँ तो बाय डिफॉल्ट क्या रहेगा आपका, बस यहाँ पे माइनस करना होगा आपका, यहाँ पे नहीं, जो आपने रिकर्सिव भी कराया था शुरू में, नहीं वो यहीं पे करना पड़ेगा आपका, पहले आप एस जब जी माइनस एस से तो वो होगा ना, ठीक है, अब जो आप नया बनाओगे ओनर से आने वाला आ जाएगा। हाँ जी ठीक है, लेकिन मैं चाहता हूँ जो इस ग्रुप के बन गए फिर हमने जो पहले बने हुए उनका, हाँ तो वो तो बस सेम वही चलेगा उसके लिए। तो ये आपका जो पहले आपने चलाया था ना ये वाला, तो देखिए अभी आपका जो पहले का दिखा रहा है, सीडी डॉट डॉट करना पड़ेगा पहले, तो मैं इसमें एल एस करो अब इसमें आप हाइपन एल, ये सेल्स वाले हैं, ये यूजर वन में आ जाए, ये कि पहले क्या था यहाँ पे आपका, ये देखो ये आपका ये था ना आपका, ये देखो ये सेल्स वाले हैं, ये दोबारा यूजर 01 में आ गया, ये आ गया आपके, नहीं देखिए ऊपर क्या था आपका 01 था ऊपर इसमें, हाँ अब ये सब क्या हो गया आपके, फिर वही हो गया आपके, नहीं नहीं अभी ये कह रहे हैं, एक मिनट तो हो गया, अब सेल्स है, अगर इन्हें हम दोबारा से यूजर 01 में लाए दोबारा से आप वही वाली कमांड, अच्छा तो हो जाएगा आपका उसमें, पर जब न्यू क्रिएट करोगे वो अभी भी फिर क्या होगा, अपने आप ही चेंज हो जाएगा आपका, नहीं उसके लिए तो फिर नहीं, उसके लिए तो फिर ऐसा होगा ना सर, एक मिनट, जैसे आपने यहाँ पे ये है सी, ये जो इसकी ग्रुप ओनरशिप चेंज करी थी और जो कमांड चलवाई थी आपने, यहाँ देख लीजिए आप इसमें,
आप इसका ग्रुप ओनर अभी क्या जानते हो, यूजर सेल्स 01 हां यूजर 01 हो जाएगा ना, बस ये वाला काम ये 01। तो यहां पे आप क्या कर दोगे, 01 कर दोगे। अब सारा का सारा पीछे अगर तो एलएल करोगे तो आप सारा हो जाएगा ना सर। वो तो सेम कांसेप्ट वही चलेगा आपका, उसमें कमांड चेंज करनी हो बट ग्रुप का नाम चेंज करना। एमकेडीआर करोगे, अब देखो जी अब 0 यूजर 01 है आपका, कहाँ गया आपका, क्या बनाया था मैंने आपका टीटी ये देखिए। अच्छा इसका ये भी चेंज हो गया आपका, वो मतलब हट ही गया आपका वो। एक बार मैं देख लेता हूँ ls-ld/cld। अच्छा इसका ही चेंज हो गया ना, वो यहाँ पर भी चेंज हो गया आपका। अच्छा। इसकी वैसे वो क्या हो गया, वो पूरा चेंज हो गया आपका, ग्रुप ओनरशिप फिर चेंज हो गया। ठीक है जी, तो इस तरह से आप कोई भी ग्रुप ओनरशिप आप क्या कर सकते हो, चेंज कर सकते हो। ठीक है अब इतना क्लियर हो गया होगा। अब दूसरा कंसेप्ट चलते हैं हम इसमें यूज करने के लिए, स्टिकी बिट। अभी देखिए सारे के सारे जी आई डी होगा, यू आई डी के लिए क्या करना पड़ेगा, यू आई डी बाद में, सबसे लास्ट में यू आई डी देखेंगे। अच्छा पहले स्टिकी बिट। हाँ पहले स्टिकी बिट। अभी देखिए दो, इसमें एक यूज़र है अभी आपका, मैं इसमें एक यूज़र और ऐड करता हूँ तब आपको वो चीज़ क्लियर होगी। अगर दो यूज़र हैं, दोनों को आपने फुल कंट्रोल दिया हुआ, तो वो कोई भी किसी की फाइल क्या कर सकता है, अभी डिलीट कर सकता है, डिलीट कर सकता है आपका। तो आपको क्या, आपको ही फुल कंट्रोल, आपको ही फुल कंट्रोल, आपने इनकी फाइल हटा दी, आपने इन्होंने आपकी फाइल हटा दी, तो बाई डिफॉल्ट क्या है, फुल कंट्रोल होगा तो हटा सकता है वो। हम चाहते कैसा ना हो, जो ओनर हो जिसने बनाया हो वही उसे हटा पाए, तो उसके लिए आप स्टिकी बिट लगाओगे। तो स्टिकी बिट वो स्पेशल परमिशन होती है जिससे हम ये चाहते हैं कि जो ओनर है वही उसको डिलीट करेगा, ग्रुप ओनर का बंदा उसको डिलीट नहीं कर सकता है। आप उस ग्रुप के रहोगे, आपको फुल कंट्रोल होगा, फिर भी आप उसको डिलीट नहीं कर पाओगे, बाकी उसे सब परमिशन रीड राइट की रहेगी, वो डिलीट की कुछ छोड़ गया, रीड कर सकता है राइट कर सकता है पर तो देखिए डिलीट नहीं कर सकता। एलएल करते हैं, पहले हमें वो चेंज करना पड़ेगा। अभी देखिए सारा सेल्स हो गया आपका। अभी देखिए मैं इसमें एक यूजर और ऐड करता हूँ, तो यूज़र पहले क्रिएट कर लेते हैं हम। यूजर ऐड, यूज़र 02 बना दिया आपने जी, पास डब्ल्यू डी यूज़र 02। ठीक है, और आपने यूज़र मोड किया हाइफन कैप्स में जी सेल्स 02। अब इन दोनों यूज़र को परमिशन है, मैंने एक नया टैब ओपन किया, सीडी एसयू किया, हाइफन किया यूज़र 02। ठीक है, सीडी करके स्लैश शेयर्ड में आ जाते हैं, परमिशन है मुझे, एलएस कर पा रहा हूँ मैं, आरएम कर दिया मैंने इसमें, और मैंने देखिए फाइल वन को हटा दिया, तो गलत है नहीं, तो आपको फुल कंट्रोल है तो आप तो हटा पाओगे, बट हम नहीं चाहते कि एक जगह ऐसा हो, मैंने कुछ और हटाया, आरएम जेट 123 देखिए इसको भी हटा पा रहे हो, या ये कुछ बना रहा है, सपोज अब ये कुछ बना रहा है एग्जैक्टली, एलएस करो, अब सब हट गया आपका, टी ओ यू सी एच किया मैंने, जेट एच आर, चलिए एच आर कर देते हैं, गलत हो गया सर। अच्छा टी ओ यू सी जेट एच आर कर देते हैं, बना दिया। ये किसने बनाया इसको एग्जैक्टली, ओनर कौन है इसका, एक और बना देते हैं एडमिन। ठीक है, ये दो किसने बनाई है, अब देखिए ये 01 पे हम जाते हैं। अब मैं 01 ने देखा कि अच्छा मेरी फाइल तो उसने हटा दी, अब ये क्या करेगा, इसकी फाइल हटा देगा, इसने आरएम किया जेट किया एचआर किया, इसने इसकी फाइल हटा दी, अब ये सब कंप्लेन करेंगे कुछ ना कुछ, एडमिन से बात करेंगे तो वो कहेगा भाई ये तो गलत है, जैसे मतलब फुल कंट्रोल दिया हुआ था, आप इसका फ़ायदा उठा रहे हो, कोई भी यूजर एक दूसरे की फाइल को डिलीट ना करे, क्योंकि आपने फुल कंट्रोल दिया है, कर सकता है कोई भी कुछ भी। अब इसको रोकने के लिए मेरे पास स्टिक बिट होता है, तो सी एच मोड लगा दो उस पर, निकलो
टू अप्लाई स्टिकी बिट, ये अदर पे लगता है, वो लगाओगे इसमें आप टू अप्लाई प्लस का साइन लगा दोगे, टी लगा दोगे, स्लैश सी आर ओपन अदर हो गया सर, और टी से स्टिकी ओ प्लस टी का मतलब क्या, ओ के अदर अदर किस पर लगाना चाहते हैं, अदर यूजर पर, अदर क्योंकि ज्यादातर हम जो स्टिकी बिट अदर्स के लिए अप्लाई करते हैं, टी साइन है स्टिकी बिट का, हां टी स्पेस, और ये फोल्डर पर लगा दी पूरे को, हां पूरे फोल्डर पे ठीक है सर, हो गया। अब देखो जी ls-ld/shared, जब इस पर स्टिकी बिट अप्लाई करते हो यहाँ पर टी आ जाता है आपका, दिख रहा है आप टी कैप्स, क्योंकि इसमें एस यू आई डी बिट एस जी आई बिट सेट, इसमें एस आ गया आपका, और मैंने इस पर स्टिकी बिट भी सेट कर दिया, ठीक है। अब इधर चेक कर लो, अभी ये कोशिश की थी इसने जेट एच आर करने की, डिलीट करने की, ये किसका है, अभी हम यूज़र वन से काम कर रहे हैं, तो यूज़र टू का डेटाबेस हमें डिलीट, मेरे पास अभी डेटाबेस है तो यूज़र वन काम कर रहा है, तो ये इसकी फाइल को डिलीट करने की कोशिश करेगा, पहले एक बार ये कर चुका है, अब ये फिर करने की कोशिश करेगा, तो क्या बता दिया आपका, नो परमिट, अब आपको परमिशन नहीं है, परमिशन फुल कंट्रोल है, इसमें मैंने जैसे अगर मान लो मैं यूज़र वन से हम लॉग इन, ठीक है, अब एक बार वो ये भी ओपन करना, जेट एडमिन वाली ये कहते हैं फाइल ओपन करो, ये वाली, हाँ, और इसमें कोई फोल्डर बनाओ, ये तो फाइल है ना, ये तो फाइल है, इसमें कुछ नहीं बनेगा, फोल्डर कहाँ बनेगा, इसमें आप कैट करके राइट कर सकते, व्यू कर सकते हो, एलएस कर सकते हो आप, एलएस किया बीम करके वो भी तो कर सकते हो ना सर, इसे कैट करके जेट कर सकता हूँ मैं आपको, बस ये दिखा सकता हूँ आपको रीड की परमिशन है या नहीं, रीड है आपके पास, रीड है, आप कैट कर पा रहे हो, इसमें राइट राइट परमिशन है या नहीं, अभी देख लो, इको एच ई डबल एलो हेलो डबल वो आएगा सर ऊपर, आप राइट भी कर पा रहे हो, कर रहे हैं राइट सर, यस, ठीक है, लिख सकते हो बट आपको डिलीट करने की परमिशन, पर मैं ये पूछ रहा है जैसे हमने रिकर्सिव लगाया था उसके अंदर, इसके अंदर तो रिकर्सिव नहीं लगाना पड़ता, लगाने की जरूरत नहीं इसमें आपका, क्योंकि हम जो किसी पर्टिकुलर के अंदर जब जाएंगे तो वो ऑटोमेटिकली क्या होगा आपका, क्योंकि अब क्या यूजर, सेट हो जाएगा, अब यूजर वन ने क्या कहता है, यूजर टू के अंदर फाइल बनाई है, हाँ जी, ठीक है, अब फोल्डर के अंदर अगर फोल्डर पे अप्लाई करना चाहते तो आपको रिकर्सिव ही करना पड़ेगा, फिर तो आपको कैसे रिकर्सिव, हाँ बिल्कुल करना सकता है, रिकर्सिव अगर मैं बिल्कुल कर सकते हो आप, अब देखिए यूज़र टू काम कर रहा है, तो ये यूज़र वन की कोई फाइल हटाना चाहेगा, अभी तक तो हटा पा रहा था आर एम, ये हटाने की कोशिश कर रहा है 1 2 3, ठीक है, अब बचा आपका एस यू, पूरा फोल्डर पर लग गया, हाँ किसको क्या परमिशन, एशियल कॉन्सेप्ट चलता है, जैसे एक चीज बताओ, अगर मान लो फॉर एग्जांपल एक यूजर है, दो यूजर है, यूजर वन और यूजर टू, ठीक है, और दोनों के पास शेयर्ड का डायरेक्टरी का जैसे मतलब एक्सेस है, ठीक है, हमने रिकर्सिव लगा दिया कि मैंने जो भी इसके अंदर है जो बनेगा वही इसके अंदर ओनर होगा उसका, ठीक है, अब क्या किया हमने, कहते हैं इसके अंदर हमें स्टिकी वाला ये वाला ये भी लगा दिया, अगर मान लो शेयर्ड के अंदर हमने कहते हैं यूज़र टू ने, शेयर्ड के अंदर यूज़र टू ने एक फाइल बनाई 1 2 3, ठीक है, तो यूज़र टू इसको डिलीट कर पाएगा अगर मैं ये डायरेक्टरी रिमूव करता हूँ, परमिशन पर डिपेंड करता है ना आपको, उसमें क्या परमिशन देगी आपको, इनके दोनों के पास तो फुल एक्सेस है ना शेयर, नहीं वो कह रहे हैं कि अगर मैं डायरेक्टरी डिलीट कर दूं, लेकिन ये यूजर टू ने बनाई है, यूजर टू ने बनाई है डायरेक्टरी, और टी वाला लगा नहीं, इस शेयर डायरेक्टरी के अंदर एक यूजर 1 2 3 की फाइल बनाई है यूजर टू ने, और मैंने वो स्टिकी वाला बिट लगा रखा, आप कह रहे हो ना कि यूजर टू ही इसको डिलीट कर सकता है और कोई नहीं कर सकता, ठीक है, अगर इसके पास रीड राइट और कहते डिलीट की यूजर के पास इस डायरेक्टरी के ही एक्सेस है, तो वो कहते हैं कि अंदर वाली फाइल डिलीट कर देगा, देखिए अभी आपको दिखा देते हैं,
आप जो कह रहे हो मेरे पास सब कुछ एनवायरमेंट जो आप कह रहे हो सामने मेरे पास है, जो एनवायरमेंट सब के सामने है आपका। अब सपोज अभी ये यूज़र बने आपका, यूज़र बन यूज़र बनिए, एक नया ग्रुप बनाने का, नहीं ग्रुप मत बनाओ, ग्रुप क्या आपको अभी सेल सारा ग्रुप यहाँ पर देखिए। अभी कौन काम कर रहा है, यूज़र टू काम कर रहा है, ये सब किसके हैं, इसका ओनर कौन है, यूज़र वन, यूज़र वन। तो आप क्या इस पर्टिकुलर फोल्डर के अंदर आ पाओगे, अभी देखो यहाँ पे। तो अभी आपका क्या है, ग्रुप ओनर है आपका ये, तो ग्रुप ओनर को क्या परमिशन, अभी देखो इसमें रीड राइट और एग्जीक्यूट, आप चलो इसके अंदर चल के देखो, डायरेक्टरी वन आप आ गए। कौन आया, यूज़र जीरो टू, किसके अंदर, यूज़र वन का, क्योंकि उसका ओनर कौन है अभी, ये यूज़र वन। अब मैं यहाँ पे एम के डी आर करता हूँ या कुछ भी करता हूँ, टी ओ यू सी एच करता हूँ, अब आप बताओ यहाँ पे क्या चाहते हो। अब मैं चाहता हूँ जैसे कि आपने जी जो बनाया है जेट 123 बनाया है, हाँ जी, इसको पहले तो इसके अंदर कहते हैं वो टी बिट लगाएंगे, इसके अंदर टी बिट लगाएंगे, बिल्कुल लगाएंगे, ठीक है। तो इसका मतलब ये होगा कि यूज़र टू ही इसको डिलीट कर सकते, यूज़र वन इसको डिलीट नहीं कर सकता। इसके अंदर भी लगा दो तो सेम वही कंसेप्ट चलेगा जो पहले चल रहा था वहाँ पे आपका, इसके अंदर भी आप लगाओगे तो वही कंसेप्ट अप्लाई होगा इस पर आपका, कि जो ओनर होगा वही उसको डिलीट कर पाएगा। अच्छा, ओनर चलो डिलीट कर पाएगा, ओनर ही डिलीट कर पाएगा हर जगह पे आपका, ठीक है। मैं मेरी बात सुनो, अब मैं कह रहा हूँ जैसे आपने जो डी एल वाला ये जो बनाया, ठीक है, इसके जो है, अच्छा ओनर ही कुछ भी आप देख लो, ओनर के अलावा कोई कुछ नहीं कर पाएगा। मतलब ये है आप किसी की भी डायरेक्टरी में जाकर स्टिकी बट का बस इतना ही मतलब होता है कि जो उसका ओनर के अलावा उसको कोई और डिलीट नहीं करता, बस इतना ही कंसेप्ट चलता है स्टिकी बट में, और कोई मतलब नहीं होता। मतलब क्या है कि यूज़र टू जो है जेट 123 और डीएल तो डिलीट कर पाएगा, ये कह रहे हो ना। अभी देखो यहाँ पे क्या परमिशन, यहाँ देख लो ना सामने, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है आपको, अच्छा कुछ देख रहे नहीं आपको, यहाँ देखो ग्रुप को क्या परमिशन है, अभी फुल परमिशन है। और जब उसका ग्रुप ओनर आप सेल्स कर दोगे तो उस ग्रुप का बंदा क्या कर पाएगा उसको, बट उसकी फाइल को हटा नहीं पाएगा अगर मैंने क्या लगा दिया, स्टिकी बिट लगा दी, बस इतना बस होता है और कोई मतलब नहीं। और रिमूव स्टिकी बिट और तो सब इसमें परमिशन देखना पड़ेगा एग्जैक्टली क्या परमिशन मिल रहा है डिफॉल्ट में आपको, कुछ डिफॉल्ट परमिशन भी चलती है आपकी, कि हम डिफॉल्ट परमिशन भी शेयर करते हैं, वो एक अलग कंसेप्ट है, क्योंकि अभी हम वहाँ तक नहीं जा पा रहे, ओके, वो हमारा पार्ट हो चुका है सब, ठीक है ना। रिमूव करने के लिए माइनस कर देंगे, हाँ जी बिल्कुल। अब देखो ये हो गया आपके दो चीज़ें, एक SUID बिट और सॉरी SGID बिट स्टिकी बिट। अब SUID बिट एग्जैक्टली क्या होता है कि जो हमारा ओनर होता है उसके लिए, मतलब यूज़र के लिए। अब कोई हमारे पास कोई ऐसी कोई एग्जीक्यूटेबल कोई फाइल हो तो मैं उसको कम से कम कि मैं किसी पर्टिकुलर चीज़ को रन कर रहा हूँ उसकी ओनरशिप के साथ, तो इसके लिए कुछ ना कुछ एक कमांड पर देख सकते हैं इसको, हम फोल्डर पर देखेंगे तो मतलब उससे वो कन्फर्म नहीं होगा एग्जैक्टली, इसलिए इसको मैं एक पर्टिकुलर कमांड पर लगा के दिखाऊंगा जिससे कि वो चीज़ आपको क्लियर हो कि एग्जैक्टली ओनरशिप का मतलब क्या होता है। मैंने कहा कि भाई मैं आपको कह रहा हूँ आप इसको काम को कर लो, मैंने कहा कि भाई किसने कहा आपसे, कि सर ने कहा था एग्जैक्टली, तो ओनरशिप का मतलब क्या होता है कि आप किसकी परमिशन से आप इसे कर रहे हो, तो जो उसका ओनर होगा ओनरशिप के साथ किसी चीज़ को टास्क को रन करना, दैट इज कॉल्ड यूज़र ओनरशिप। कि आपका अभी सपोज मैं फोल्डर बना रहा हूँ एग्जैक्टली ये, तो इसका ओनर कौन है, अभी इसका ओनर कौन बनेगा, यूजर जीरो टू बनेगा। तो जब मैं ये बनाऊंगा एग्जैक्टली, तो मैंने ये बना लिया, तो इसका यूजर ओनर कौन है अभी इसका, जे जे का जीरो। अगर एक चीज आपने वो पढ़ा है, सूडोर्स की फाइल पढ़ी है आपने, सूडो कमांड पढ़ी होगी आपने, ठीक है। मेरे पास इसमें एक यूज़र है, अभी मैं थोड़ा सा इसको पहले मैं क्लियर करूँगा उसके बाद आपको आगे बताऊँगा, चलो पहले उसको बाद में क्लियर करेंगे। कंट्रोल शिफ्ट टी, SU-user01 आप आ गए इसके अंदर, हम आप एफ डिस्क इसमें करते हो, FDISK आईफन एल एफ डिस्क करते हो, तो आपके पास क्या परमिशन आ रही है, अभी एरर आ रही है,
परमिशन डेटा है। तो अभी आपको एप्रेस करने की परमिशन है अभी? नहीं जी। क्यों नहीं है? क्योंकि इसलिए नहीं होती WHICH विच एप्रेस कहाँ से चल रहा है? यहाँ से चल रहा है आपका यूजर एस बिन एल एस आईपन एल करो शिफ्ट करके इंसर्ट नहीं चलेगा। देखो जी इसका ओनर कौन है? रूट। इसलिए इसको कोई भी और टास्क रन क्यों नहीं कर पाता? क्योंकि इसका ओनर अभी कौन है? मैं चाहता हूं कि मैं इस एप डिस्को चलाऊं तो कैसे चलाऊं इसको? यूज इस ग्रुप ओनरशिप के साथ। मुझे इसका ग्रुप ओनर चेंज नहीं करना, बस मैं इसको टास्क को कैसे रन करना चाहता हूं इसकी ग्रुप ओनरशिप के साथ रन करना चाहता हूं। जब मैं रन करूं तो हमारा कर्नल ये सोचे कि एग्जैक्टली इसको यूजर जीरो वन नहीं चला रहा, कौन चला रहा है इसको? रूट। उसके लिए हम SUID मतलब किसी भी टास्क को यूजर की ओनरशिप के साथ रन करना, चाहे वो कोई हो सकता है आपका रूट हो सकता है, यूजर जीरो वन हो सकता है, ओनर कोई भी हो सकता है, रूट को छोड़ के कोई भी हो सकता है। बट ये तो क्या डिफॉल्ट परमिशन है जिसका बाय डिफॉल्ट ओनर कौन है? रूट। रूट तो अभी ये नहीं चला पा रहा, तो बस मुझे इसको परमिशन देनी है कि एग्जैक्टली ये पर्टिकुलर एपडिस कमांड को चला पाए। तो अगर मैं इस पर SUID सेट कर दूंगा तो यही नहीं हर यूजर चला पाएगा, इसलिए ज्यादातर हम ऐसी बिट सेट नहीं करते हैं, इससे क्या होगा कोई भी कुछ भी करता है, इसलिए हम ACL लगाते हैं इसमें। तो इस कंसेप्ट के लिए हमारा सबसे अच्छा कंसेप्ट क्या ACL है। बट कुछ टास्क ऐसे हो सकते हैं सपोज जैसे कि IP देने का टास्क है, कुछ टास्क ऐसे हो सकते हैं, मैं चाहता हूँ कि नॉर्मल यूजर हर कोई अपना ऐसा काम कर पाए कम से कम, भाई मैं बार बार आता हूँ ये काम करने के लिए। तो कुछ टास्क ऐसे भी हो सकते हैं हम चाहते हैं कि हर यूजर उस टास्क को एग्जीक्यूट कर पाए, तो आप क्या कर सकते हो उस पर SUID सेट कर सकते हो। वहाँ से आप उसको हटा दोगे तो फिर वो ले लेगा 4.2 या कुछ चेंज कर दे तो नहीं लेता। आपका अगर एलडब कर रहे हो तो देखो जी मैं इस पर SUID सेट कर रहा हूँ, तो कैसे सेट करते हैं CH mode नहीं हो रहा है CH mode U यूजर पे आपको सेट करना है प्लस S स्लैश ये S क्या है सर वही SUID सेट करना है। किस पे सेट करना है आपको? SUID हाँ जी सिंटेक्स होगा ना इसका SUID का CH mode यू का मतलब यूजर पर सेट करते हैं यूजर ओनरशिप के लिए। तो SUID एस का मतलब क्या है वही SUID SUID और SGID दोनों के लिए एस देते हैं, जब किस्टी के लिए क्या लेते हैं हम टी लेते हैं। SGID में जी करके वो ग्रुप पे सेट होता है और उसे टेस्ट किया जाता है यूजर को देते हैं वो अपने आप सेट हो जाता है आपका। ये सेट कर दिया हमने, अब आप दोबारा से चेक करो इसको, तो देखिए सेट हो गया इस पर एस लग गया आपका। अब मैं यहाँ से फिर रन कर रहा हूँ इसको, आप चला पा रहे हो इस परमिशन को, इस कमांड को आप क्या कर पा रहे हो, आप रन कर पा रहे हो। कि आपने देखा कि आपके पास कितना स्पेस है सब यहाँ पे आपको दिख रहा है, इसलिए हम इसे सेट करते हैं। सेट SUID आप किसी पर भी सेट कर सकते हो, इस तरह से आप किसी भी पर्टिकुलर कमांड के लिए आप इसे एग्जीक्यूट करा सकते हो, क्योंकि कमांड को हम एग्जीक्यूट कर सकते हैं, इसलिए मैंने इसे कमांड के साथ दिखाया। उसी तरह से जैसे एक फाइल ही तो आपकी ये एपडिस्क नाम से क्या एक फाइल है, क्योंकि इसमें हर कोई चीज़ क्या होती है एक फाइल होती है, क्योंकि ये जो सिंबल दिख रहा है वो आपका फाइल का सिंबल होता है आपका CH mode। तो ये लिख लेना हाउ टू सेट SUID बिट CH mode space user plus S
ये आपका परमिशंस का चैप्टर फिनिश हो गया, क्योंकि यही चीज़ रहेगी जिसमें आपकी ये कमांड जो लिख रही है आपके, बस इतनी कमांड है एस यू आई वुड सेट करने के लिए, ये कमांड ये लिख लो यूजर पे। यूएसआर के अंदर एस बिन के अंदर एफ डिस्क नाम की तो कमांड है, कोई भी कमांड अगर चलानी होगी उस पे लगाना पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल, या पर्टिकुलर उस पे यूजर पे भी लग सकती है ये। यस, पर्टिकुलर सीएच मोड कभी पर्टिकुलर पे नहीं लगता, सीएच मोड कर ही नहीं सकता, ये सबके लिए करता है। और एसयूआईडी हटानी है तो एफ यू माइनस एस, यही सेम काम ऐसे भी कर सकते हो आप। एक छोटा सा यहाँ से देख लो, हो गया आपका। देखो सी एच मोड करके फोर क्या होता है, अगर आप इसमें फोर अप्लाई करोगे इसका मतलब क्या होता है एस यू आई डी बिट, टू करोगे इसका मतलब होता है एस जी आई डी बिट, वन करोगे इसका मतलब क्या होता है स्टिकी बिट, वन का मतलब क्या होता है स्टिकी बिट, तीनों को मिला तो कितना हो गया आपका सेवन हो गया, चार तीनों को मिला दो चार और तीन सात। मैं इस पर परमिशन क्या देना चाहता हूँ, सेवन सेवन जीरो। तो ये तीन क्या होते हैं आपके परमिशन के लिए होते हैं, परमिशन के लिए होते हैं। तो इस पर एस यू आई डी बिट एस जी आई डी बिट स्टिकी बिट तीनों एक बार में सेट हो जाएगा आपके। अभी देखिए मेरे पास एक फोल्डर है स्लैश शेयर करके, अब एल एस हाइपन एल डी स्लैश शेयर। तो देखिए अभी आप क्या देख रहे हैं, यहाँ पर भी ऐसा आ गया ये टी आ गया आपका, दिख रहा है आपको यहाँ पर बताता ना सर, जो भी बताया था SS चार का मतलब यूजर SUID है जी, चार का मतलब मैं लिख देता हूँ उसमें, चार का मतलब हो गया SUID बिट। अगर आपको किससे करनी है न्यूमेरिकल करना है तो न्यूमेरिकल प्लस चार, चलो जैसे इसे इतना बंद कर देते हैं। दो का मतलब एस जी आई डी बिट, एक का मतलब एस टी आई सी के वाई स्टिकी बिट, ये लिख लो बस इतना इतना बस आपको लिख लेना है और देन आप इसे अप्लाई कर दोगे। अगर आपको न्यूमेरिकल टू अप्लाई SUID = 4 स्पेशल परमिशन न्यूमेरिकली, आप इसमें लिख लो टू अप्लाई स्पेशल परमिशन न्यूमेरिकली, ठीक है सर, हो गया। और आपने जैसे मैं बताया था वो, और ये जीरो क्या लगाई थी सर आपने लास्ट में, जीरो का मतलब मैंने अदर को क्या परमिशन दी है जी, कुछ नहीं। देखो यहाँ पे अदर को क्या है, देखो नो परमिशन, हाइपन हाइपन दिख रहा है आपका, सेवन होगा यूआईडी फिर अगेन सेवन होगा जीआईडी। देखो इसका मतलब ये एसयूआईडी बिट, इसका मतलब एस, यहाँ देखो ये बताया था यहाँ पे, ये देखो ये छोड़ दो, ये तो पूरा हो गया आपका उसके लिए। यहाँ से देखो पहले ये क्या होते हैं, तीन आपके परमिशंस के लिए होते हैं, ये किस पर है यूजर पे परमिशन, ये ग्रुप पे परमिशन, ये अदर पे परमिशन हो गया, परमिशंस हो गया आपकी। अब यहाँ पे क्या होगा, चार दो छः और एक सात, ये तीनों परमिशन अगर आपको एक साथ लगानी है तो क्या लगा दोगे सात। अच्छा ठीक है, ऐसे भी हम इसमें अप्लाई करते हैं, तो इसका मतलब होता है यूजर ओनरशिप, इसका मतलब होता है ग्रुप ओनरशिप, इसका मतलब होता है स्टिकी बिट, इसका मतलब स्टिकी बिट होता है ठीक है। देखिए ये हो गया कंप्लीट आपका स्पेशल परमिशन, इनको बोलते हैं स्पेशल परमिशन, आपके चैप्टर नंबर 2 से 23 पे दिया हुआ है स्पेशल परमिशन। देखो यहाँ पे मैं बता देता हूँ, ये क्या लिखा है SUID बिट SGID बिट नहीं आप, अच्छा आपका उसे यहाँ ठीक है, और स्टिकी बिट डिफॉल्ट ये लिखा हुआ है, ये सब लिखा आपका SUID और स्टिकी। साथ ही साथ यहाँ पर लिखा हुआ है SUID का मतलब क्या होता है चार, SGID मतलब क्या होता है दो, स्टिकी मतलब होता है एक, आप जैसे चाहो वैसे लगा दो, ये हो गया कंसेप्ट आपका क्लियर ठीक है।
अब हम नया स्टार्ट करते हैं हम, और अगर मैं जैसे यहाँ पे 4770 कर दूँ हाँ, तो बस ओनली क्या लगे SUID लग जाएगा। आपने कहा बस ओनली मुझे SGID चाहिए तो 2775 और अगर 0 कर दूँ तो फिर GID जो भी आप चाहो उसमें सिंगल सिंगल भी लगा दो, मैंने सबको सेट कर दिया, एक लगा दो। अगर आप चाहते हो मैं SUID और SGID सेट करना चाहता हूँ, चार और कितना लगाओगे आप उसके लिए, लगाओगे दो और एक तीन, तो तीन कर दोगे SUID नहीं सेट होगा आपका, प्लस करो ऐड करो जैसे कि आपने परमिशंस में किया था। और अगर एक लगा दे तो पांच करनी पड़ेगी, हाँ पांच हो जाएगा आपका, तो मतलब क्या सेट हो जाएगा SUID और स्टिकी, SGID सेट नहीं होगा। तो जितना भी ऐड करके आप लगाना चाहते हो, SUID सेट करना चाहते हो, SGID सेट करना चाहते हो, स्टिकी, उतना नंबर आप इसमें अप्लाई कर दोगे। मैं बस ओनली स्टिकी चाहता हूँ तो वन कर दोगे, ठीक है हो गया सर चैप्टर से, हाँ ये चैप्टर कंप्लीट हो गया। चैप्टर 8 होगा सर ये से।